प्रणाली द्वारा सम्मिलित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आपका इस देवभूमि पंढरपुर नगरी में हार्दिक हार्दिक स्वागत। विश्व के मानवता के माउली रहे विठोबा राय और रखुमाई, इनके दर्शन की आस लेकर जिस रास्ते से वारकरी आते हैं, उसी रास्ते के कार्य का शुभारंभ आपके यशस्वी कर कमलों द्वारा यहाँ पर संपन्न हो रहा है। सीएम साहब भी और राज्यपाल महोदय भी हमारे साथ इस प्रणाली द्वारा जुड़ रहे हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी का हम सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे प्रधानमंत्री आज हमारे साथ है इस प्रणाली द्वारा, आपका स्वागत। माननीय राज्यपाल महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी साहब भी, उनका भी स्वागत हम करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ नहीं, हमारे हाथ सिर्फ तालियां है उन तक पहुंचने वाली। माननीय राज्यपाल साहब का भी यहाँ पर स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ पर आने वाले हैं कुछ क्षणों में। आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, तुमसे ही कार्यक्रमामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत पंढरपूर वासियांच्या वतीने। हम कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ करते हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ माननीय नितिन जी गडकरी साहब, आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री, इस नाते आप स्वागत पर प्रस्तावना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे महाराष्ट्र के आदरणीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, हमारे विभाग के राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर वी के सिंह जी, विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र जी, हमारे सोलापुर के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे जी, मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के सचिव, सभी सम्मान्य लोक प्रतिनिधिगण, सांसद विधायकगण, सभी महापौर, जिला परिषद पंचायत समिति के प्रमुख, विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित, जिनके आशीर्वाद से ये भूमि भी पावन हुई है और हम सब लाभान्वित हुए हैं, ऐसे सभी वारकरी संप्रदाय के सभी मार्गदर्शक साधु संत सबको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं, उनको अभिवादन करता हूं। हमारा पंढरपुर ये संतों की भूमि है। केवल पंढरपुर नहीं तो महाराष्ट्र ये एक साधु संतों की भूमि है, और हमारे साहित्य संस्कृति कला महाराष्ट्र में हमारे संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस संतों के लिए एक महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो पंढरपुर ये विशेष प्रेरणा का स्थान है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज पंढरपुर में चार बार यात्रा होती है। आषाढ़ी की यात्रा में लाखों लोग आते हैं, और मैं बहुत भाग्यवान हूं कि ये जो पालखी मार्ग है, जहां से पैदल पैर में जूते भी नहीं होते, ऐसे हमारे वारकरी बंधु और बहनें सब बेचारे पैदल यहाँ आते हैं, उनकी सेवा में मुझे हमारे विभाग की ओर से ये पालखी मार्ग निर्माण करने का एक अवसर मिला है, ये मेरा परम भाग्य है। मुझे याद है कि जब हमारी सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने हमारी सभी विभागों का एक बार रिव्यू किया था, और उसमें उन्होंने विशेष रूप से यह सूचना की थी कि हमारे देश में जहां लाखों करोड़ों लोग, विशेष रूप से हमारे यहां हमारे तीर्थाटन के लिए जाते हैं, वहां एक प्रकार से वो तीर्थ क्षेत्र हमारी संस्कृति और इतिहास की विरासत है, एक प्रकार से श्रद्धा से जाते हैं। वहां जाने वाले रोड अच्छे होने चाहिए, वहां साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां के विशेष रूप से टॉयलेट अच्छे होने चाहिए, इस बात के लिए उन्होंने विशेष रूप से आग्रह रखा, और उन्हीं के मार्गदर्शन में इस सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए हमने भारतमाला परियोजना में माँ वैष्णो देवी, हमारा स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है, कुरुक्षेत्र, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर हमारी चार धाम के पूरे जो तीर्थाटन के प्रमुख स्थल है,
बोध गया, गया जहां बुद्ध सर्किट के रूप में पुष्कर, भुवनेश्वर, पुरी, श्रीगिरी, मदुरई सब जगह पर हमने इसी प्रकार से योजना बनाई और करीब 50 धार्मिक स्थल जो थे वो भारतमाला परियोजना में समाविष्ट किए थे। ये जो चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की जो यात्रा होती है, हम करीब हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में करीब 12,070 करोड़ रुपए खर्चा करके हम करीब 673 किलोमीटर ये काम ऑलरेडी पूरे हुए हुए आए हैं और बाकी जो है टोटल 827 किलोमीटर वो भी काम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद तुरंत शुरू होंगे। और आप सब लोग साल भर कभी भी बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री जा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था हुई है। ये चार धाम के साथ साथ अयोध्या हमारा श्रद्धा स्थान है। राम गमन मार्ग जो है करीब 250 किलोमीटर का, अयोध्या से चित्रकूट, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मोहनगंज, मुरादगंज, राजापुर और चित्रकूट, ये भी हमने लगभग इसका भी काम शुरू किया है। इसके साथ राम जानकी मार्ग जो है वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या से नेपाल में जो जनकपुर है जहां मां सीता का जन्म हुआ था वहां तक का मार्ग भी हम बना रहे हैं और करीब 2000 करोड़ रुपए खर्चा करके वो भी काम कर रहे हैं। जो बुद्धिस्ट सर्किट है भगवान गौतम बुद्ध का, विशेष रूप से पूरे दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, बिहार में बोध गया, वैशाली, राजगीर, वाराणसी, मथिल, सारनाथ आणि उत्तर प्रदेश में शरावस्ती, कुशीनगर, यहाँ करीब 1000 किलोमीटर का हमने बुद्ध सर्किट बनाया है जो नेपाल, बिहार और वाराणसी को जोड़ता है, जिसके ऊपर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्चा किया है। मुझे विश्वास है कि हम मानस सरोवर का भी मार्ग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कनकपुर से पिथौरागढ़ 125 किलोमीटर की लेंथ हमने लगभग पूरी की है। हमारे राज्य मंत्री अभी वहां तक जाकर आए हैं और नेपाल से लेकर चाइना की सीमा तक मानस सरोवर तक हिंदुस्तान से हम जल्दी ही जा सकेंगे, ऐसे मार्ग भी बनाने का काम जोरों में शुरू है। आज मुझे खुशी है कि हमारे महाराष्ट्र में विशेष रूप से हमारे जो माहूर का रेणुका मंदिर हो, तुलजापुर की हमारी देवी माता हो तुलजा भवानी, कोल्हापुर की अंबा देवी हो, संत एकनाथ महाराज का पैठन हो, गजानन महाराज का शेगा हो, साई बाबा का शिरडी हो, अनेक प्रकार के जो भक्ति मार्ग थे वो सब मार्ग हमने पूरे करने का प्रयास किया है। आज मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण ये भक्ति मार्ग संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग, ये दोनों प्रमुख मार्गों का भूमि पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हस्ते होने वाला है। इसकी मुझे बहुत खुशी भी है और विशेष रूप से उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया है, इसलिए मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। जो ज्ञानेश्वर पालखी मार्ग है उसकी लेंथ 221 किलोमीटर है और उसका खर्चा 7,000 करोड़ रुपए है। जो 5 पैकेज थे उसमें से 4 पैकेज में काम शुरू हो गया है और बाकी 1 पैकेज का काम का टेंडर आ गया है, ये भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अगले साल में निश्चित रूप से 1.25 साल के अंदर इस मार्ग को आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से पूरा करने की हम भरकस कोशिश करेंगे, ये मैं विश्वास आपको देना चाहता हूँ। संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग ये 130 किलोमीटर है, इसकी कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए है, उसमें 3 पैकेज है और आज इसका भी भूमि पूजन होकर उसके भी सब कामों की शुरुआत हो जाएगी। इस पालखी मार्ग पे जो पालखी के लिए मुकाम के लिए जो तल बनाए जाते हैं वारकरी मुकाम के लिए, और राज्य सरकार ने तीर्थ क्षेत्र विकास अराखड़ा में उसके लिए करीब 1428 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आज मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित है, मेरा उनसे अनुरोध है कि रोड का काम तो हम कर रहे हैं पर ये जो पालखी के लिए जो तल है, जो व्यवस्था है, उस काम में अगर आपने ऑलरेडी उसको मंजूर भी किया है राज्य सरकार ने, अगर उसका भी हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे पालखी मार्ग पर जो वारकरी बंधु आते हैं उनको बहुत बड़ा उसके कारण सुविधा मिलेगी, इसका वो जरूर विचार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज प्रधानमंत्री के हाथ से जो लोकार्पण हो रहा है वो भी 5 प्रकल्प 223 किलोमीटर के है और करीब 1200 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो रोड है
ये संत गोंदवलेकर महाराज, इनका पालखी मार्ग संत सावड़ा माई पालखी मार्ग, संत एकनाथ महाराज पालखी मार्ग और संत गजानन महाराज पालखी मार्ग जब पंढरपुर में आते हैं उनको, उन वारकरियों के लिए इसका विशेष रूप से उपयोग होगा। पालखी मार्ग बनाते समय हम ये कोशिश कर रहे कि रोड के बाजू में जहां से हमारे वारकरी चलेंगे, तो कभी कभी धूप के दिनों में पैरों में जूते कोई रखते नहीं है, तो इसीलिए उसके बीच में टाइल्स होगी, उसमें गवत होगा, घास होगी, इसके कारण उष्मता कोई तकलीफ हमारे वारकरी बंधु को नहीं होगी। मैं महाराष्ट्र सरकार को अनुरोध करूंगा कि ये विशेष रूप से रोड साइड एमिनिटीज भी हम बनाने वाले हैं, आपके सहयोग से कुछ काम में हम भी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक संयुक्त मीटिंग लेकर महाराष्ट्र सरकार में भी उसमें जो भी सहयोग होगा वो निश्चित रूप से हम करेंगे। मुझे यहाँ के विधायक और बाकी लोगों ने मांग की थी कि वाखरी से पंढरपुर ये लंबी जो है बाईपास के कारण वो ड्रॉप की गई थी, पर मंदिर तक वो रोड अगर वैसा ही रहेगा तो पालखी मार्ग को कोई अर्थ नहीं रहेगा, इसलिए वाखरी से पंढरपुर ये 806 किलोमीटर का जो लंबाई है उसको भी इस प्रोजेक्ट में लेकर रेलवे के पुल को भी सुधार करते हुए करीब 74 करोड़ रुपीज लगाकर ये भी काम हम निश्चित रूप से पूरा करके देंगे। ये विश्वास आप सबको देता हूँ। फिर से एक बार इस संतों की भूमि में तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज का विचार, और जिन्होंने हमें केवल प्रेरणा नहीं दी तो हमारे जीवन का मार्ग दिखाया, हमें जीवन का संस्कार दिया, जीवन का दृष्टिकोण दिया, और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति में तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज के अभंग, उनके प्रवचन, उनके विचार हम कभी जीवन भर भूल नहीं सकते। बचपन से पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं और वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और विरासत है। मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे वारकरी संप्रदाय के सभी साधु संत यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। उनके आशीर्वाद से ही ये कार्य हो रहा है, इस कार्य का श्रेय उन्हीं को है और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण यह कार्य का निर्माण हो रहा है। मैं उनके प्रति फिर से एक बार हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी भी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होते हुए भी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे गवर्नर साहब कोशिया जी वो भी उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారుపేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అపార్ట్మెంట్స్, విల్లాస్, అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికి అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్, వరటెక్స్ ప్లాజా నియర్ రాధికా థియేటర్, ఈసీఎల్ ఎక్స్ రోడ్, హైదరాబాద్. కాల్ టు 9100885512, 9100885. मैं विनती करती हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब, आपको आज के इस मंगल अवसर पर आप अपनी भावनाएं प्रकट करें। आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदीजी, केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीनजी, राज्यपाल महामहिम कोश्यारीजी, सर्वच व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर, वारकरी संप्रदायातील साधू संत बांधवांनो भगिनींनो, देवेंद्रजी सॉरी तुमचं नाव घ्यायचं राहिलं, महाराष्ट्रातले विरोधी पक्षनेते आमचे सहकारी देवेंद्रजी, सर्वच उपस्थित मान्यवर बांधवांनो आणि भगिनी, नितीनजी एक खरोखर पुण्य काम आपण हाती घेतलेलं आहात आणि आपण काही अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून। साहजिकच आहे ही जबाबदारी आपल्या सगळ्यांची आहे। गेले अनेक शतक ऊन वारा पाऊस रस्त्यातील काटे कुटे खड्डे खळगे यांचा कसराही विचार न करता आपली परंपरा ही जोपासणारी आपले हे वारकरी, त्याच्यातले अनेक साधू संत यांच्या मार्गावरती असलेले सगळे
अडथळे दूर करणं हे आपलं कर्तव्य आहे आणि या कर्तव्यामध्ये आपण पुढाकार घेतलेला आहात आणि मी जाहीर वचन देतो की महाराष्ट्र सरकारकडून कोणतीही कमी आम्ही कोणत्याही पावलावरती राहू देणार नाही. प्रत्येक पावलावरती आम्ही तुमच्या सोबत राहू. या वारीचं दर्शन मी स्वतः घेतलेलं आहे. मी दर्शन घेतलं एवढ्यासाठी म्हणतोय कारण आपल्याला बहुतेक जणांना कल्पना आहे की काही वर्षांपूर्वी मी स्वतः ही वारी आणि त्या वारीची फोटोग्राफी हेलिकॉप्टर मधून केली. मोदी जी सच कहता हूं जैसे मान लो की एक भक्ती सागर आगे जा रहा है. ते जे काय दृश्य मी पाहिलं आपल्या विठुमाऊलीचं विराट दर्शन म्हणजे काय असतं ते दर्शन मला तेव्हा दिसलं. डोळ्यामध्ये मावत नाही. कॅमेरा तर सोडा, कॅमेरा खूप छोटी गोष्ट आहे पण डोळ्यामध्ये मावत नाही. आणि मी मगाशी ऐकत होतो अनेक ठिकाणावरून या पालख्या येत असतात आणि या पालख्या म्हणजे जणू काही नद्या सागराकडे वाहत आहेत असंच ते दृश्य असतं. मोठमोठ्या नद्या, छोट्या मोठ्या नद्या या सागराकडे वाहत आहेत असं ते दृश्य असतं आणि या नद्या जिथे एकत्र येतात ते पहिलं म्हणजे शेवटचं मोठं रिंगण असतं ते वाखरीचं. नितीनजी ही गोष्ट आपण एक अत्यंत चांगली केली, अत्यंत चांगला निर्णय केला की वाखरी ते पंढरपूर हा महामार्ग सुद्धा मोठा करण्याचा निर्णय घेतला. हा अतिशय महत्वाचा निर्णय कारण सगळ्या नद्या तिथे येतात आणि तिथेच एक मोठा भक्तीसागर होतो. भक्तीसागरच म्हणाला पाहिजे, दुसरा शब्द मला तरी काय सुचत नाहीये. आणि या पालखीचा थोडासा अनुभव मी पायी सुद्धा घेतलेला आहे. ज्यानी ज्यानी हा अनुभव म्हणजे इथे वारकऱ्यांच्या बाबतीत तर काय बोलायचंच नाही पण खास करून राजकीय नेते आणि इतर शहरी लोकांबद्दल मी म्हणतोय की आपण एका वेगळ्या दुनियेत राहतो, ऐहिक सुखाच्या मागे लागतो पण हा आपला वारकरी समाज जो आहे तो त्याच्या पलीकडे गेलेला आहे. मी बघितलं, स्वतः बघितलं एक थोडं सगळं तर काय पावलं चालता येणं शक्यच नाही पण थोडासा जो काही त्यांच्यासोबत चालण्याचा प्रयत्न केला देहभान हरकून म्हणजे काय ह्याचा प्रत्यय तिकडे येतो. अक्षरशः देहभान हरकून हे एकच म्हणजे पाण्याला खळखळाट असतो पण ह्या भक्तीसागराच्या पाण्याला एक विठू नामाच्या गजराचा एक सुंदर नाद असतो. ते नाद तो नाद ब्रह्म त्याच्यामध्ये आपल्याला सुद्धा जोपर्यंत आपण त्याच्यात असतो आपणही देहभान हरकून जातो. रस्ते तर चांगले असलेच पाहिजे पण हा जो भक्ती मार्ग आहे त्या मार्गावरून आजपर्यंत आपल्या देशाने वाटचाल केलेली आहे आणि ही वाटचाल पुढे सहजतेने व्हावी याच्यासाठी आज आपण पुढाकार घेतला. त्याच्यावर खरोखर तुम्हाला मनापासून धन्यवाद देतो. असं देशात तर नाही जगात सुद्धा दुसरं उदाहरण नसेल की लाखो वारकऱ्यांचे चरण स्पर्श ज्याला होतो असं एकमेव हे उदाहरण असेल. अशी एकमेव ही हा आपला सोहळा असेल की जिकडे पूर्ण कुठून 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 येतात आणि लाखो चरण आपल्या वारकऱ्यांचे लागतात. आणि आपल्यामध्ये एक अशी मान्यता आहे की वारीला जरी जाता आलं नाही तरी जो वारी करून येतो त्याला आल्यानंतर नमस्कार करतो कारण त्याच्या रूपात आपण विठोबाला बघतो. आणि अशी ही आपली भावना आजपर्यंत या वारकरी संप्रदायाने आपल्याला खूप काही दिलेलं आहे ज्याचा उल्लेख आपणही केला की आपल्याला दिशा संस्कार संस्कृती तर दिलेलीच आहे पण सगळ्यात मोठं योगदान म्हणजे प्रतिकूल कालखंडात एक काही शतक 7-8 शतक तिथल्या असले जाणकार अधिकारवाणीने सांगू शकतील की काय अनेक शतक ही नुसतं ऊन वारा पाऊस रे बोलके शब्द झाले पण परकीय यवनी आक्रमण ही सुद्धा झेलून वारी आणि वारीची परंपरा ही आपल्या वारकरी समाजाने या संप्रदायाने अव्ययातपणे सुरू ठेवली. आता हे सगळं एवढं मोठं काम आपल्याला केल्यानंतर आपल्याला संस्कार देणाऱ्या संप्रदायाचं ऋण आपण ऋणमुक्त तर होऊ शकतच नाही. त्यांच्या ऋणातच राहून कारण त्यांचे आशीर्वाद आपल्याला पावलं पावली पाहिजेत. जे आयुष्यभर वारकरी म्हणून पंढरीची वारी करत असतात त्यांचं आपल्याला प्रत्येक पावली मार्गदर्शन लांबणं हे आपलं मोठं भाग्य आहे आणि म्हणून जास्त लांबण न लावता या कार्यासाठी स्वतः माननीय पंतप्रधानजींनी पण वेळ दिला. मोदीजी आपको मी धन्यवाद देत आहो आणि हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्यासाठी मला खात्री आहे विठू माऊली हा आशीर्वाद दिल्याशिवाय राहणार नाही. अशी आशीर्वादाची एक वाटचाल संस्कृतीची वाटचाल ही अधिक सहजतेने व्हावी त्याच्यासाठी ह्या घेतलेल्या कार्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो महाराष्ट्र प्रत्येक पाऊली आपण राहिल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे साहब. आज हमारा सौभाग्य है पालखी मार्ग का शुभारंभ और 13 महामार्गों का लोकार्पण
ऐसे अनोखे करकमल द्वारा हो रहा है जिसमें भक्ति और शक्ति का अनोखा संगम है। सेना के सशक्तिकरण की शक्ति और आद्य शंकराचार्य जी के स्थान प्रति भक्ति, ऐसा संगम जिन करकमलों में है वो करकमल है आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी आपके। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि रिमोट का बटन दबाकर इस कार्य का आप शुभारंभ करें और शुभारंभ के बाद हम देखेंगे इस परियोजना की एभी फिल्म। సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి, సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ. మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నెంబర్ వన్ స్కూల్ సెరెనిటీ. మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ, యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్, 100% ఫలితాలు, స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్, యోగా, అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్. ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Module High School, Nakaram. Admissions are in progress. Call 0402714689 and 0402714869. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, आपसे प्रार्थना है आज के इस पावन अवसर पर अपने शुभ विचारों से हम सभी को अवगत कराए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, मेरे अन्य सहयोगी नारायण राणे जी, राव साहब दानवे जी, रामदास आठवले जी, कपिल पाटिल जी, डॉक्टर भागवत कराड़ जी, डॉक्टर भारती पवार जी, जनरल बीके सिंह जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मेरे मित्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन रामराजे नाइक जी, महाराष्ट्र सरकार के सभी सम्मानित मंत्रीगण, संसद में मेरे सहयोगी सांसदगण, महाराष्ट्र के विधायकगण, सभी अन्य जनप्रतिनिधि यहां हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण और श्रद्धालु साथियों, दो दिन पहले ईश्वर कृपा से मुझे केदारनाथ में आदि शंकराचार्य जी की पुनर्निर्मित समाधि की सेवा का अवसर मिला और आज भगवान विट्ठल ने अपने नित्य निवास स्थान पंडरपुर में मुझे आप सबके बीच जोड़ दिया। इससे ज्यादा आनंद का, ईश्वरीय कृपा के साक्षात्कार का सौभाग्य और क्या हो सकता है। आदि शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है, महायोग पीठे तटे भीमरथ्याम वरम पुंडरीकाय दातुम मुनिंद्रहे समागत्य तिष्ठत्तम आनंदकंदम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। अर्थात शंकराचार्य जी ने कहा है, पंडरपुर की इस महायोग भूमि में विट्ठल भगवान साक्षात आनंद स्वरूप है, इसलिए पंढरपुर तो आनंद का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है और आज तो इसमें सेवा का आनंद भी साथ में जुड़ रहा है। मला अतिशय आनंद होतो आहे कि संत ज्ञानोबा मावली आणि संत तुकोबारांच्या पालखी मार्गाचे आज उद्घाटन होता है।
वारकऱ्यांना अधिक सुविधा तर मिळणारच आहेत, पण आपण जसे म्हणतो की रस्ते ही विकासाचे द्वार असते, तसे पंढरीकडे जाणारे हे मार्ग भागवत धर्माची पताका आणखी उंच फडविणारे महामार्ग ठरतील। पवित्र मार्गाकडे नेणारे ते महाद्वार ठरेल। साथियों, आज यहां श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग इसका शिलान्यास हुआ है। श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग का निर्माण अभी आपने वीडियो में भी देखा है, नितिन जी के भाषण में भी सुना है, 5 चरणों में होगा। और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन सभी चरणों में 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के हाईवे बनेंगे और इस पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा। इसके सबसे खास बात यह है कि इन हाईवे के दोनों तरफ पालखी यात्रा के लिए पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए, वारकरियों के लिए विशेष मार्ग बनाए जाएंगे। इसके अलावा आज पंढरपुर को जोड़ने वाले करीब 225 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का भी शुभारंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। इनके निर्माण पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सतारा, कोल्हापुर, सांगली, बीजापुर, मराठवाड़ा का एक क्षेत्र, उत्तरी महाराष्ट्र का क्षेत्र, इन सभी स्थानों से पंढरपुर आने वाले श्रद्धालुओं को ये नेशनल हाईवे बहुत मदद करेंगे। एक तरह से ये महामार्ग भगवान विट्ठल के भक्तों की सेवा के साथ साथ इस पूरे पुण्य क्षेत्र के विकास का भी माध्यम बनेंगे। विशेष रूप से इसके जरिए दक्षिण भारत के लिए कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। इससे अब और ज्यादा श्रद्धालु यहां आसानी से आ सकेंगे और क्षेत्र के विकास से जुड़ी अन्य गतिविधियों को भी गति मिलेगी। मैं इन सभी पुण्य कार्यों उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति का अभिनंदन करता हूं। ये ऐसे प्रयास हैं जो हमें एक आत्मिक संतोष प्रदान करते हैं, हमें जीवन की सार्थकता का आभास कराते हैं। मैं भगवान विट्ठल के सभी भक्तों को, इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को पंढरपुर क्षेत्र के इस विकास अभियान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मी सर्व वारकरांच्या नमन करतो, त्यांना कोटी कोटी अभिवादन करतो। मैं इस कृपा के लिए भगवान विट्ठल देव जी के चरणों में अपना नमन करता हूं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैं सभी संतों के चरणों में भी अपना नमन करता हूं। साथियों, अतीत में हमारे भारत पर कितने ही हमले हुए हैं, सैकड़ों साल की गुलामी में ये देश जकड़ा गया, प्राकृतिक आपदाएं आई, चुनौतियां आई, कठिनाइयां आई, लेकिन भगवान विट्ठल देव में हमारी आस्था, हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही। आज भी ये यात्रा
दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी जन यात्राओं के रूप में, पीपल मूवमेंट के रूप में देखी जाती है। आषाढ़ एकादशी पर पंढरपुर यात्रा का विहंगम दृश्य कौन भूल सकता है? हजारों लाखों श्रद्धालु बस खींचे चले आते हैं। हर तरफ रामकृष्ण हरि, पुंडलिक वरदे हरि विठल और ज्ञानवा तुकाराम, इसका जयघोष होता है। पूरे 21 दिन तक एक अनोखा अनुशासन, एक असाधारण संयम देखने को मिलता है। ये यात्राएं अलग अलग पालखी मार्गों से चलती हैं, लेकिन सबका गंतव्य एक ही होता है। ये भारत की उस शाश्वत शिक्षा का प्रतीक है जो हमारी आस्था को बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है, जो हमें सिखाती है कि मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पद्धतियां और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक होता है। अंत में सभी पंथ भागवत पंथ ही है, और इसलिए हमारे यहां तो बड़े विश्वास के साथ शास्त्रों में कहा गया है, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। साथियों, संत तुकाराम महाराज जी, उन्होंने हमें मंत्र दिया है, और तुकाराम जी महाराज ने कहा है, विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल, ऐका जी तुम्ही भक्त भागवत, करालते हित सत्य करा, कोणा ही जीवाचा न घड़ो मत्सर, वर्म सरमेश्वर पूजनाचे। यानी विश्व में सब कुछ विष्णुमय है, इसलिए जीव जीव में भेद करना, भेदभाव रखना ही अमंगल है। आपस में ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, हम सभी को समान माने, यही सच्चा धर्म है। इसलिए डिंडी में कोई जात पात नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, हर बार करी समान है, हर बार करी एक दूसरे का गुरुभाव है, गुरु बहिण है, सब एक विठल की संतान है। इसलिए सबकी एक जाति है, एक गोत्र है, विठल गोत्र। भगवान विठल का दरबार हर किसी के लिए समान रूप से खुला है, और जब मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहता हूं, तो उसके पीछे भी तो इसी महान परंपरा की प्रेरणा है, यही भावना है, यही भावना हमें देश के विकास के लिए प्रेरित करती है। सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए प्रेरित करती है। साथियों, पंढरपुर की तो आभा, पंढरपुर की अनुभूति और पंढरपुर की अभिव्यक्ति, सब कुछ अलौकिक है। आपण म्हणतो ना, माझे महरे पंढरी आहे भिवरेच्या तीरी, वाकई पंढरपुर मां के घर की तरह है। लेकिन मेरे लिए पंढरपुर से दो और भी बहुत खास रिश्ते हैं, और मैं आज संत जनों के सामने कहना चाहता हूं, मेरा विशेष रिश्ता है।
मेरा पहला रिश्ता है गुजरात का, द्वारिका का। भगवान द्वारकाधीश ही यहां आकर विट्ठल स्वरूप में विराजमान हुए हैं। और मेरा दूसरा रिश्ता है काशी का, मैं काशी से हूं और ये पंढरपुर हमारी दक्षिण काशी है, इसलिए पंढरपुर की सेवा मेरे लिए साक्षात श्री नारायण हरि की सेवा ही है। ये वो भूमि है जहां भक्तों के लिए भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजते हैं। ये वो भूमि है जिनके बारे में संत नामदेव जी महाराज ने कहा है कि पंढरपुर तब से है जब संसार की भी सृष्टि नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पंढरपुर भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से हमारे मनों में भी बनती है, बसती है। ये वो भूमि है जिसने संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम और संत एकनाथ जैसे कितने ही संतों को युग संत बनाया है। इस भूमि ने भारत को एक नई ऊर्जा दी, भारत को फिर से चैतन्य दिया। और भारत भूमि की यह विशेषता है कि समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी महान विभूतियां अवतरित होती रही, देश को दिशा दिखाती रही। आप देखिए दक्षिण में माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, पश्चिम में नरसिंह मेहता, मीराबाई, धीरो भगत, भोजा भगत, प्रीतम, तो उत्तर में रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास, पूर्व में चैतन्य महाप्रभु और शंकर देव जैसे अनेक संतों के विचारों ने देश को समृद्ध किया। अलग अलग स्थान, अलग अलग कालखंड, लेकिन एक ही उद्देश्य, सबने भारतीय जनमानस में एक नई चेतना फूंकी, पूरे भारत को। शिव गायत्री एंटरप्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर सबमर्सिबल पंप्स मी गृह व्यवसाय पारिश्रामिक नीति अवसरालकु स्पाइरन मरियु कोर्सा सबमर्सिबल पंप्स मरियु डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर वाटर सॉफ्टनर्स हिमजल आरवो प्लस अल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर्स शिव गायत्री एंटरप्राइजेस। भक्ति की शक्ति का आभास कराया, इसी भाव और इसी भाव में हम ये भी देखते हैं कि मथुरा के कृष्ण गुजरात में द्वारकाधीश बनते हैं, उडुपी में बालकृष्ण बनते हैं और पंढरपुर में आकर विठ्ठल रूप में विराजित हो जाते हैं। यही भगवान विठ्ठल दक्षिण भारत में कनकदास और पुरंदर जैसे जैसे संत कवियों के जरिए जन जन से जुड़ जाते हैं। और कभी लीलाशुक के काव्य के मैसे केरल में भी प्रकट हो जाते हैं। यही तो भक्ति ही है जो जिसकी शक्ति जोड़ने वाली शक्ति है। और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के भव्य दर्शन है। साथियों, वारकरी आंदोलन की और एक विशेषता रही और वह यह है, पुरुषों से कदम मिलाकर वारी में चलने वाली हमारी बहनें देश की मातृशक्ति, देश की स्त्री शक्ति। पंडरी की वारी अवसरों की समानता का प्रतीक है। वारकरी आंदोलन का ध्येय वाक्य है भेदा भेद अमंगल, भेदा भेद अमंगल। ये सामाजिक समरसता का उद्घोष है
और इस समरसता में स्त्री और पुरुष समानता भी अंतर्निहित है। बहुत सारे वारकरी स्त्री और पुरुष भी एक दूसरे को माउली माउली नाम से पुकारते हैं। भगवान विट्ठल और संत ज्ञानेश्वर का रूप एक दूसरे में देखते हैं। आप भी जानते हैं कि माउली का अर्थ मां है, यानी ये मातृशक्ति का भी गौरवगान है। साथियों, महाराष्ट्र की भूमि में महात्मा फुले, वीर सावरकर जैसे अनेक पुरोधा अपने कार्य को सफलता के जिस मुकाम तक पहुंचा पाए, उस यात्रा में वारकरी आंदोलन ने जो जमीन बनाई थी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वारकरी आंदोलन में कौन नहीं थे? संत सावता महाराज, संत चोखा जी, संत नामदेव महाराज, संत गोरोवा, सेंजी महाराज, संत नरहरि महाराज, संत कहनोपात्रा, समाज का हर समुदाय वारकरी आंदोलन का हिस्सा था। साथियों, पंढरपुर ने मानवता को न केवल भक्ति और राष्ट्रभक्ति का मार्ग दिखाया है, बल्कि भक्ति की शक्ति से मानवता का परिचय भी कराया है। यहां अक्सर लोग भगवान से कुछ मांगने नहीं आते, यहां विट्ठल भगवान का दर्शन, उनकी निष्काम भक्ति ही जीवन का ध्येय है। काय काय विठू माउलीच्या दर्शनाने डोळ्याचे पाणी फिरते की नाही? तभी तो भगवान यहां खुद भक्तों के आदेश पर युगों से कमर पर हाथ रख करके खड़े हैं। भक्त पुंडिक ने अपने माता पिता में ईश्वर को देखा था, नर सेवा नारायण सेवा माना था। आज तक वही आदर्श हमारा समाज जी रहा है। सेवा दिंडी के जरिए जीव मात्र की सेवा को साधना मानकर चला रहा है। हर वारकरी जिस निष्काम भाव से भक्ति करता है, उसी भाव से निष्काम सेवा भी करता है। अमृत कलश दान, अन्नदान, ये गरीबों की सेवा के प्रकल्प तो यहां चलते ही रहते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सभी की सेवा समाज की शक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। हमारे यहां आस्था और भक्ति किस तरह राष्ट्र सेवा और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी है, सेवा सेवा दिंडी इसका भी बहुत बड़ा उदाहरण है। गांव का उत्थान, गांव की प्रगति सेवा दिंडी इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। देश आज गांव के विकास के लिए जितने भी संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है, हमारे वारकरी भाई बहन उसकी बहुत बड़ी ताकत है। देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो आज विठोबा के भक्त निर्मल वारी अभियान के साथ उसे गति दे रहे हैं। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, जल संरक्षण के लिए हमारे प्रयास हो, हमारी आध्यात्मिक चेतना हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को ऊर्जा दे रही है। और आज जब मैं अपने वारकरी भाई बहनों से बात कर रहा हूं तो आपसे आशीर्वाद स्वरूप तीन चीजें मांगना चाहता हूं। मांगू क्या? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मांगू क्या? आप देंगे? देखिए, जिस प्रकार से आप सबने हाथ उठा करके एक प्रकार से मुझे आशीर्वाद दिए हैं, आपका हमेशा
मुझ पर इतना स्नेह रहा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मुझे पहला आशीर्वाद वो चाहिए कि ये श्रीमंत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग का निर्माण होगा, जिस संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग का निर्माण होगा उसके किनारे जो विशेष पैदल मार्ग बन रहा है उनके दोनों तरफ हर कुछ मीटर पर छायादार वृक्ष जरूर लगाए जाएं। ये करेंगे क्या आप काम? मेरा तो सबका प्रयास है, मंत्र ही है। जब ये मार्ग बनकर तैयार होंगे तब तक ये पेड़ भी इतने बड़े हो जाएंगे कि पूरा पैदल मार्ग छायादार हो जाएगा। मेरा इन पालखी मार्गों के किनारे पड़ने वाले अनेक गांवों से इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह है। हर गांव अपने क्षेत्र से होकर गुजरने वाले पालखी मार्ग की जिम्मेदारी संभाले, वहां पैड लगाए तो बहुत जल्द ये काम किया जा सकता है। साथियों, मुझे आपका दूसरा आशीर्वाद चाहिए और दूसरा आशीर्वाद मुझे ये चाहिए, इस पैदल मार्ग पर हर कुछ दूरी पर पीने के पानी की, और वो भी शुद्ध पीने का जल, इसकी भी व्यवस्था की जाए। इन मार्गों पर अनेकों प्याऊ बनाए जाए। भगवान विट्ठल की भक्ति में लीन श्रद्धालु जब पंढरपुर की तरफ बढ़ते हैं तो 21 दिन तक अपना सब कुछ भूल जाते हैं। पीने के प्याऊ ऐसे भक्तों के बहुत काम आएंगे। और तीसरा आशीर्वाद मुझे आज आपसे जरूर लेना है और मुझे आप निराश कभी नहीं करोगे। तीसरा आशीर्वाद जो मुझे चाहिए वो पंढरपुर के लिए है। मैं भविष्य में पंढरपुर को भारत के सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थलों में देखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जब भी कोई देखे कि भाई सबसे स्वच्छ तीर्थ स्थल कौन सा है तो सबसे पहले नाम मेरे विठोबा का, मेरे विठ्ठल की भूमि का, मेरे पंढरपुर का होना चाहिए। ये चीज मैं आपसे चाहता हूं और ये काम भी जन भागीदारी से ही होगा। जब स्थानीय लोग स्वच्छता के आंदोलन का नेतृत्व अपनी कमान में लेंगे तभी हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। और मैं हमेशा जिस बात की वकालत करता हूं, सबका प्रयास कहता हूं, उसकी अभिव्यक्ति ऐसे ही होगी। साथियों, हम जब पंढरपुर जैसे अपने तीर्थों का विकास करते हैं तो उससे केवल सांस्कृतिक प्रगति नहीं होती, पूरे क्षेत्र के विकास को बल मिलता है। जो सड़कें यहां चौड़ी हो रही हैं, जो नए हाईवे स्वीकृत हो रहे हैं, उसमें यहां धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, नए रोजगार आएंगे और सेवा अभियानों को भी गति मिलेगी। हम सभी के श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी मानते भी थे कि जहां हाईवे पहुंच जाते हैं, सड़कें पहुंच जाती हैं, वहां विकास की नई धारा बहने लगती है। इसी सोच के साथ उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की शुरुआत कराई, देश के गांवों को सड़कों से जोड़ने का अभियान भी शुरू किया। आज उन्हीं आदर्शों पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेज गति से काम हो रहा है। देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, डिजिटल व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है। देश में आज नए हाईवे, वाटरवेज, नई रेल लाइनें, मेट्रो लाइनें, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट, नए एयर रूट्स का एक बड़ा विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है।
इन सारी योजनाओं में और तेजी लाने के लिए, समन्वय लाने के लिए पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की भी शुरुआत की गई है। आज देश 100% कवरेज के विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। हर गरीब को पक्का मकान, हर घर में शौचालय, हर परिवार को बिजली कनेक्शन, हर घर को नल से जल और हमारी माताओं बहनों को गैस कनेक्शन, ये सपने आज सच हो रहे हैं। समाज के गरीब, वंचित, दलित, पिछड़े, मध्यम वर्ग को इनका सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। साथियों, हमारे अधिकांश वारकरी गुरुभाव तो किसान परिवारों से आते हैं। गांव गरीब के लिए देश के प्रयासों से आज सामान्य मानवीय के जीवन में कैसे बदलाव आ रहे हैं, आप सब इसे देख रहे हैं। हमारे गांव गरीब से, जमीन से जुड़ा अन्नदाता ऐसा ही होता है। वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी सारथी होता है और समाज की संस्कृति, राष्ट्र की एकता को भी नेतृत्व देता है। भारत की संस्कृति को, भारत के आदर्शों को सदियों से यहां का धरती पुत्र ही जीवित बनाए हुए है। एक सच्चा अन्नदाता समाज को जोड़ता है, समाज को जीता है और समाज के लिए जीता है। आपसे ही समाज की प्रगति है और आपकी ही प्रगति में समाज की प्रगति है। इसलिए अमृत काल में देश के संकल्पों में हमारे अन्नदाता हमारी उन्नति का बड़ा आधार है। इसी भाव को लेकर देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात हम सबको कही है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा है, दुरितांचे तिमिर जावो, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व सधर्म सूर्य पाहो, जो जे वांछिल तोते लाहो प्राणी जात। अर्थात विश्व में बुराइयों का अंधकार नष्ट हो, धर्म का, कर्तव्य का सूर्य पूरे विश्व में उदय हो और हर जीव की इच्छाएं पूरी हो। हमें पूरा विश्वास है कि हम सबकी भक्ति, हम सबके प्रयास संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के इन भावों को जरूर सिद्ध करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार सभी संतों को नमन करते हुए, विठोबा के चरणों में नमन करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी, राज्यपाल महामहिम भगत सिंह जी कोश्यारी जी और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब, मंच पर विराजित अतिथिगण, संतगण और नागरिक बंधु भगिनी, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस आभार के साथ इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। सभी को आदर पूर्वक धन्यवाद। स्वामी बोधानंद को सेवा आश्रम सैथापुर, ज्योतिष्यम वास्तु शास्त्रम मन पूर्विकलु मनकिच्चिन वरम, दुर्गादेवी काल भैरव उपासनतो वाक्सिद्धि पొందిన श्री श्री बोधानंदगिरि स्वामीवारु మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి, మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును.
నమ్మకంతో రండి, ఆయుర ఆరోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం, సైతాపూర్, వీరభద్ర స్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరి గుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.